शुरू करा। नमस्कार। नमस्कार। सातारा जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडल असे संलग्न जावली महाबळेश्वर तहसील में जो स्कूल बंद और पढ़ाई शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे इस उपक्रम में संजीवन विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती आकांक्षा बोंगाळे जी यहाँ पर पद्य पाठ लेने जा रही हैं। बरस ही जलत यह कविता का नाम है और इस कविता के कवि संत तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। तो अपने मधुर और मीठी वाणी में यहाँ पर आकांक्षा बोंगाळे जी अपने ये जो अध्यापन है वो शुरू करने जा रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष हमारे पितामह माननीय ताका सूर्यवंशी सर, कराड़ तहसील के होनहार तंत्र स्नेही और बहुत ही क्रिएटिव माइंड जिनको मिला है, ऐसे अध्यापक माननीय हनुमंत सूर्यवंशी सर, तंत्र स्नेही और मेहनती अध्यापक माननीय शेवाले सर, महाबलेश्वर तहसील के अध्यक्ष जो अत्यंत विनम्र है, हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, माननीय शिंदे सर और जावली और महाबलेश्वर के अध्यक्ष बगाड़े सर जी, आप सभी को विनम्र अभिवादन। और मैं आज की तासी का शुरू करती हूँ। तो छात्र दोस्तों, हम वापिस इस शिक्षा यज्ञ में शुरुआत करते हैं एक नए कविता की। यह जो कविता है वह कविता बरसात के दिनों में प्रभु रामचंद्र जी की सीता को ढूंढते समय जो मनोदशा हुई थी उसका वर्णन कवि तुलसीदास जी ने इस कविता में किया है। कविता का नाम है बरस ही जलद, जिनके कवि है गोस्वामी तुलसीदास। आइए पहले सुनते हैं बरसात के दिनों का वर्णन किया हुआ एक गाना। घन घन माला नभी दाट लिया को सड़ती धारा, घन घन माला नभी दाट लिया को सड़ती धारा, के कारव करी मोर काननी, के कारव करी मोर काननी, उभवनी उंस पिसारा एक नामिक सुगंध ये तो, एक नामिक सुगंध ये तो, ओ या अंधारा घन घन माला नभी दाट लिया को सड़ती धारा। छात्रों, बरसात की ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाई जाती है। ये ऋतु है ही ऐसी जो सबको कवि बना देती है। अब जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बरस ही जलद, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। इनका जन्म 1511 में राजापुर जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में वाराणसी में हुई थी। मतलब देखो, कुल 112 साल इन्होंने जीवन जिया था। हिंदी साहित्य के वे महान कवि थे, संस्कृत के विद्वान थे, प्रसिद्ध ऐसे संत और चिंतक। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन दूरदर्शन जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी उनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। इस ग्रंथ को विश्व के प्रथम 100 महाकाव्यों में
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। हमारे लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण ऐसी बात है। अब यह जो रामचरितमानस महाकाव्य है, जिसे हम कथनात्मक रूप से पढ़ते हैं, यह काव्य किष्किंधा कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के कुल 7 कांड यानी 7 अध्यायों में बटा हुआ है रामचरितमानस ग्रंथ, और प्रत्येक कांड की शुरुआत संस्कृत शब्द से हुई है। अब पहला कांड जो है वह बाल कांड, जो सबसे बड़ा है। दूसरा कांड अरण्य कांड, अयोध्या कांड, जिसमें वनवास का वर्णन किया हुआ है। तीसरा कांड है अरण्य कांड, वनगमन का वर्णन उसमें है। चौथा है किष्किंधा कांड, जिसमें सीता हरण के समय का वर्णन किया हुआ है। आज की जो कविता है वह इसी कांड से ली गई है। पांचवा जो कांड है वह है सुंदर कांड। छठा लंका कांड, इसे युद्ध कांड भी कहते हैं। और सातवा कांड जो था वह उत्तरा कांड, जो 14 साल के बाद प्रभु रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन जब होता है उसका वर्णन उसमें किया हुआ है। तो यह जो आज की कविता है वह दोहा और चौपाई ऐसे छंदों में लिखी हुई है। दोहा किसे कहते हैं? तो दोहा की विशेषता यह होती है, दोहा 2 पंक्तियों का होता है और उसके 4 चरण होते हैं। हम देखते हैं चौपाई किसे कहते हैं, क्या विशेषता है चौपाई की? तो चौपाई 4 चरण का छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो हमने पहले प्रास्ताविक में देखा है प्रभु, ये जो संत तुलसीदास जी थे वो संस्कृत के विद्वान पंडित थे, फिर भी उन्होंने अपनी रचना जो है वह अवधी भाषा में की है, और चौपाई और दोहो जैसे लोकप्रिय छंदों में उन्होंने यह वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने सीता हरण के बाद श्री रामचंद्र जी के मन में निर्माण हुई व्याकुलता का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। पहले भाग में और दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में उन्होंने बताया है। पहले दोहों में पाखंडी मनुष्य और दूसरे दोहों में कुपुत्र के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बरसहि जलध इस कविता का पहला भाग। इस काव्य में तुलसीदास जी ने किया हुआ बरसात के दिनों का वर्णन, और यह वर्णन करते हुए ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन की जो व्याकुलता है वह व्याकुलता उन्होंने इसमें अत्यंत सुंदर ऐसे शब्दों में की है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, प्यार के बारे में आप भी कई बार सोचते होंगे। सही बात तो यह है, हमारी फिल्मी दुनिया ने प्यार को जो रूप दिया है, प्यार का जो वर्णन किया है, वह सही प्यार नहीं है। सही प्यार तो त्याग में होता है, संयम में होता है, सहनशीलता में होता है। प्रभु रामचंद्र जी सीता मैया को दिल से चाहते थे। जब रावण ने सीता का हरण कर दिया था, तब रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हो गए थे। आकाश से बरसती हुई वर्षा देखकर उनकी व्याकुलता और भी बढ़ गई थी, और उन्होंने अपनी व्याकुलता का वर्णन इस प्रकार से किया है। आज हम फिल्मी दुनिया में देखते हैं कि जब हीरो हीरोइन की याद से व्याकुल हो जाता है, तो वह अपनी व्याकुलता का वर्णन करता है। तू छिपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। लेकिन इसमें संयम, सहनशीलता, ये भाव
नहीं होते हैं, पवित्रता का भाव नहीं होता है। तो दोस्तों, प्यार एक पवित्र ऐसी बात है, पवित्रता से भरी हुई वह होती है, उससे अब विभत्सता का रूप आने लगा है जैसे जैसे जमाना बदलता गया है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी मन की व्याकुलता किस प्रकार से व्यक्त की थी, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। देखते हैं, बरसत ही जलद रचना की पहली कड़ी। घन घमंड गरजत घोरा, घन घमंड गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। देखो कितनी सुंदर रचना है। घन यहाँ मैंने बताया है, घन का अर्थ है बादल, घमंड यानी गर्व, गर्जत यानी गरजते हैं, घोरा यानी भयंकर, दर्पत यानी डर रहा है। घन घमंड गरजत घोरा, घन यानी बादल, आकाश में बादल अत्यंत गर्व से उमड़ घुमड़ रहे हैं, या मैंने चित्र निकाला है घुमड़ते हुए बादलों का। तो रावण जब सीता माई का हरण कर लेता है, तब उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी निकलते हैं। आकाश में बादल घुमड़ने लगते हैं, वर्षा आने लगती है, तब प्रभु रामचंद्र जी अपने मन की व्यथा, अपने मन के भाव अपने भैया लक्ष्मण जी को बताते हैं। वह बताते हैं, हे लक्ष्मण, घन घमंड गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। आकाश में ये जो बादल उमड़ घुमड़ कर दौड़ रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, तो इन्हें देखकर मेरी प्रिया यानी सीता माई के बिना मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। अब देखिए, दामिनी का अर्थ है बिजली। तो हमारे यहाँ जब बिजली चमकती है तो कोई संदेश हमको मिलता है, कोई अघटित घटना होने वाली है। प्रभु रामचंद्र जी तो वीर थे ना, वो बादलों से बिजली से नहीं डर रहे थे, उसके माध्यम से जो संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों से वे डर रहे हैं। वो अपने मन का भाव लक्ष्मण जी को बता देते हैं कि आसमान में ये जो बादल बड़े गर्व से उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, तो मुझे प्रिया यानी सीता की याद आ रही है, मुझे उनके बिना यहाँ पर डर लग रहा है। यह जो बिजली चमक रही है वह ऐसे चमक रही है, दामिनी दमक रही धन माही, खलकई प्रीति जथा थीर नाही। दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना। अब यहाँ खल यानी दुष्ट व्यक्ति, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, जथा यानी जैसे, और थीर यानी स्थिर। वे बता देते हैं कि यह जो बिजली चमक रही है वह ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति अपना नकली प्रेम दिखाता है। उसका प्रेम, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम हमेशा अस्थिर रहता है। तो उसी प्रकार से यह जो बिजली है वह चमक रही है। छात्रों, हमारे जीवन में अनेक लोग आते हैं, आपके जीवन में तो अनेक दोस्त आते हैं। आपको अनुभव होगा कि उनमें से कई दोस्त ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से भरे हुए होते हैं। उनको जब जरूरत होती है तो वे अपना प्यार हमको दिखाते हैं, जताते हैं। उनकी जरूरत पूरी हो जाने के बाद वे हमें भूल जाते हैं। तो जीवन में हमेशा इस प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना है। एक किस्सा बताती हूँ सच्ची दोस्ती का, कि दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करता है, अरे राजू जहां भी है तू तुरंत आ जा। राजू फोन उठाकर पूछता है कि कहाँ आओ भैया, तो बोलता है अमुक अमुक जगह पर आ जाओ। राजू तुरंत गाड़ी शुरू कर देता है,
बीच में रुकता है और सोचता है, अरे इसको कुछ चोट तो नहीं पहुंची है, पैसों की तो जरूरत नहीं है। वह गाड़ी रुका कर कहता है, भैया आते समय कितने पैसे लगेंगे, मैं एटीएम से पैसे निकाल कर ले आता हूँ। जिसने फोन किया था वह बताता है, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू आ जा। और जो निश्चय निश्चित जगह था, स्थान था, वहां पर वह पहुंच जाता है। मित्र को देखता है तो मित्र एकदम गले लग कर रोने लगता है। उसके साथ बाजू में तीन चार मित्र थे, तो यह पूछता है, आप क्यों रो रहा है तू, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ समस्या है क्या? तब वह बता देता है, देखो हमारी अभी शर्त लगी थी, मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा था तेरा सबसे प्यारा दोस्त कौन सा है, और मैंने तेरा नाम बताया था। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि हम परीक्षा लेते हैं, तो अभी का अभी उसको फोन कर दे, यहाँ पर बुला दे। बिना हिचक के, बिना प्रश्न पूछते हुए वह यदि तेरे पास आता है तो हम मान लेते हैं यह तेरा सच्चा दोस्त है। तो तू इस परीक्षा में पास हो गया, इसलिए मुझे खुशी हो रही है और मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर तुलना करते हैं, आकाश में जो बिजली चमक रही है उस चमकती हुई बिजली की तुलना वे दुष्ट मनुष्य का जो प्यार होता है, जो टेम्पररी बेसिस पर होता है, उससे वे तुलना करते हैं। यहाँ पर बरसात का वर्णन करते समय जो सौंदर्य हम देखते हैं, जो सृष्टि में बदलाव हम देखते हैं, उन बदलावों की तुलना तुलसीदास जी ने सजीव वस्तुओं के साथ, मनुष्य के भावनाओं के साथ की है। तो घन घमंड गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही है घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। दोस्तों अवधी भाषा में की हुई यह रचना है, इसके जो शब्द है थोड़े कठिन है, लेकिन आपको तो परीक्षा में शब्दार्थ पूछे नहीं जाने वाले हैं। आप इस कविता को अच्छे ढंग से जब समझ लोगे, इसका भावार्थ जब आप समझ लोगे, तो जरूर इसके ऊपर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप लिख पाओगे, यह मुझे विश्वास है। तो पहली जो पंक्तियां हैं इसका अर्थ हमने देखा है, वापिस मैं बता देती हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि आसमान में यह बादल जो उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, इन्हें देखकर मुझे सीता माई की याद आ रही है, मुझे उनके लिए डर लग रहा है, और यह जो बिजली चमक रही है वह इस ढंग से चमक रही है जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति अपना नकली प्रेम दिखाता है। उसका प्रेम जिस प्रकार से अस्थिर होता है, उसी प्रकार से यह बिजली भी चमक रही है। आगे की पंक्ति हम देखते हैं, बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघाद सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बरस ही यानी बरसना, जलद यानी गतिमान, नियर आना, नियर आए, अंग्रेजी में नियर कहते हैं ना, नियर आए यानी पास आकर, जथा यानी जैसे, नवहि यानी नम्र होना, बुध यानी विद्वान। बुध यह ग्रह भी है जो विद्वान लोगों की राशि का ग्रह होता है। बुध राशि के जो भी व्यक्ति होते हैं वह बहुत ही विद्वान होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो बुध यानी विद्वान, विद्या पाए, पाए यानी पाना, बूंद अघात, अघात यानी प्रहार, सह ही यानी सहना, गिरी, गिरी यानी पर्वत, मैं वहां गिरी, वह गिरी नहीं, गिरी यानी पर्वत, आपने यह शब्द पहले भी देखा है। तो कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, खल यानी दुष्ट और बचन यानी वचन। तो आसमान में छाए हुए बादल
धरती के बहुत ही निकट आ गए हैं, जिन्होंने पानी भर भर के लाया है और वे बरस रहे हैं। किस प्रकार से वे बरस रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन किया है, देखो बहुत ही सुंदर तुलना की है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के बाद नम्र हो जाता है, झुक जाता है, उस प्रकार से यह आकाश से जो बादल आए हैं, वर्षा के बादल आ गए हैं, वो बरस रहे हैं। हमेशा कहा जाता है, झुकता वही है जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग मैं आपको बता देती हूँ। शिकागो में जो धर्म परिषद भरी हुई थी, आयोजन जिसका किया गया था, उस परिषद के लिए स्वामी विवेकानंद जी को निमंत्रित किया था। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका जा रहे थे, वे ट्रेन में बैठे हुए थे, भगवे रंग के कपड़े उन्होंने परिधान किए थे, और उनके सामने दो अमेरिकी पढ़े लिखे बहुत ही जेंटलमैन ऐसे युवक बैठे थे। विवेकानंद जी अपने हाथ में जो अंग्रेजी की किताब थी वह पढ़ रहे थे, और विवेकानंद जी शायद नाटक ही कर रहे हैं, भगवे कपड़े जिसने परिधान किए हैं वो इंसान थोड़ी अंग्रेजी पढ़ सकता है, ऐसी विचारधारा उन दो नवयुवकों की हो गई थी, और इसलिए वे विवेकानंद जी के ऊपर बहुत ही टीका टिप्पणी कर रहे थे। विवेकानंद जी एक शब्द भी उनके साथ नहीं बोलते हैं, एक भी उनके शब्द का वे खंडन नहीं करते हैं। उतरते हुए एक युवक से रहा नहीं जाता और वे बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, तब विवेकानंद जी बता देते हैं, आज जो परिषद आयोजित की गई है उस परिषद में सम्मिलित होने के लिए मैं जा रहा हूं। तो इतने विद्वान होने के बाद भी उनकी जो भाषा थी, उनका जो रहन-सहन था, वह एकदम सीधा साधा और नम्रता से भरा हुआ था। तो तुलसीदास जी इस नम्रता की तुलना बरसते हुए वर्षा के साथ करते हैं। वे बता देते हैं कि आसमान में छाए हुए बादल धरती के एकदम पास आकर, समीप आकर इस ढंग से बरस रहे हैं, जैसे जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त करके नम्र होकर झुक जाता है। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। यह आसमान से बरसती हुई पानी की बूंदे जब पहाड़ पर गिरती है, तब वह पहाड़ इन बूंदों के आघात को ऐसे सहता है जैसे कोई संत व्यक्ति दुष्टों की बुरी बातों को सह लेता है। आपका और हमारा न्याय क्या होता है? यदि आप हमें अरे करके पुकारेंगे तो हम आपको कारे बोलेंगे, और यदि आप हमें आप कह के बुलाएंगे तो ही हम आपको आप कहेंगे। ये सामान्य व्यक्ति की विचारधारा होती है। संत और सामान्य व्यक्ति, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है, संत सभी प्रकार की मोह माया से दूर रहते हैं और हम छोटी छोटी मोह माया में फंस जाते हैं, इसलिए हम सामान्य हैं और संत संत है। एक संत ऐसे ही निकल रहे थे, चल रहे थे, और उनके पीछे से एक दुष्ट व्यक्ति उनको गालियां देते हुए जा रहा था। तो संत कुछ भी कहे बगैर सब गालियां सुन रहे थे। जैसे ही गांव समीप आता है, संत उस दुष्ट आदमी को बता देते हैं, नमस्कार, अब आप जो गालियां दे रहे हो कृपया आप वो गालियां बंद करो, क्योंकि जिस गांव में मैं अभी जा रहा हूँ, हम गांव के बहुत समीप आ गए हैं, जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उस गांव के लोग यदि आपकी बातें सुनेंगे तो आपको वो बहुत तकलीफ दे देंगे। तो
दुष्ट आदमी कहता है, इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, दुष्ट दुष्ट ही है ना। तो संत बता देते हैं, हंसकर वो बता देते हैं, इतनी दूर तक मैं आपके साथ चलकर आ रहा हूं, तो इतनी सफर पूरी करने के बाद मुझे आपसे स्नेह हो गया है, और इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे किसी स्नेही को कोई तकलीफ दे, मेरे स्नेही को कोई भी समस्या न हो जाए, इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूं। देखो कितना विचारों का बढ़प्पन है। तुलसीदास जी यहाँ यही बात दोहराते हैं कि आसमान से बरसात की बूंदे जब पहाड़ पर गिरती है, तब वह पहाड़ बूंदों के आघात को ऐसे सहता है जैसे कोई संत दुष्टों की बुरी बात को सहता है। मतलब यहाँ पर वे बता देते हैं कि संतों में जो सहनशीलता होती है, संयम होता है, वही सहनशीलता, वही संयम इस पहाड़ में है। वह भी संतों के जैसा ही बूंदों के आघात को झेलता है। अब आज जिस काल में हम जी रहे हैं, वहां पर इतने संत की तरह हम रहेंगे तो शायद जी नहीं पाएंगे। आज की जो परिस्थिति है वह अलग परिस्थिति है। हमें सदाचारी होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सदाचारी होना और मूर्ख होना यह दो अलग बातें हैं। आज की दुनिया में यदि हमको आगे चलना है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। तो आगे की पंक्ति हम देखते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जसत थोरे हूँ धनक खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अवधी भाषा है, क्षुद्र यानी क्षुद्र छोटी साधारण सी, तोराई यानी तोड़ना लांगना, जैसा का अर्थ है जैसे, और थोड़े हूँ यानी थोड़े से भी। खल यहाँ वापिस यह शब्द आया है जिसका अर्थ है दुष्ट। फिल्म जब आप देखते हैं तो हर एक फिल्म में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। ओके, तो खलनायक हमेशा नायक को तकलीफ देने का काम करता है। तो खल इतराई, इतराना यानी मर्यादा त्याग देना। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि यानी जमीन, परत यानी पर, ढाबर यानी मटमैला, मटमैला यानी मिट्टी से भरा हुआ जो पानी होता है, लाल रंग उसको आ जाता है, तो मिट्टी मिश्रित पानी को ढाबर यहाँ पर कह दिया है। जनु यानी जैसे, जीव ही यानी सज्जन व्यक्ति, लपटाना लपटाना यानी लिपट जाना। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। मतलब जब वर्षा का पानी आ जाता है तो पहले तो वह पानी बहुत ही स्वच्छ होता है, वह पानी छोटी सी नदी में भी जब भर जाता है, मिल जाता है, तो यह छोटी नदी वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। किस प्रकार से वह आगे बढ़ रही है? देखो, इस प्रकार से यह नदी आगे बढ़ रही है जैसे मामूली साधारण व्यक्ति थोड़ा सा धन पाकर वह इतराता है, उसके मन में बदलाव आ जाते हैं, वह अपनी मर्यादा छोड़ देता है, वह अभिमानी हो जाता है। आपने कहावत सुनी हुई होगी, अधजल घघरी छलकत जाए, जिसके पास आधा ही धन होता है, आधा ही ज्ञान होता है,
वह अपने आप को ज्यादा ज्ञानी ज्यादा धनी समझने लगता है और उसके वर्तन में बदलाव आ जाता है। यहां ऐसे ही व्यक्ति के साथ तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में जो छोटी नदी होती है, यह छोटी नदी उसमें जल भरने के बाद अपने किनारों को तोड़कर उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती है, तो यह जो नदी है उसकी तुलना साधारण से गरीब व्यक्ति को जब धन प्राप्ति हो जाती है तो वह किस ढंग से अपनी मर्यादा तोड़ता है, उसी ढंग से यह नदी भी अपनी मर्यादा तोड़कर आगे जा रही है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। वे बता देते हैं कि पृथ्वी पर यह पानी जब आता है तो वह स्वच्छ हो जाता है, लेकिन पृथ्वी पर धरती पर जो भी मिट्टी होती है, गंदगी होती है, उसमें वह मिल जाता है तो वह भी गंदा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस रंग जैसा। पानी को अपना खुद का कोई रंग नहीं है। रंग पंचमी के दिन जिस रंग को आप पानी में डालते हो उस रंग का पानी हो जाता है, यह पानी की विशेषताएं है। यहां तुलसीदास जी बता देते हैं कि पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जा गया है, मानो प्राणी प्राणी यानी मनुष्य जब माया जाल में फंस जाता है तब पवित्र सज्जन व्यक्ति भी चारित्रहीन हो जाता है। हमारा ही उदाहरण ले लीजिए ना, बचपन में हम जब छोटे थे तो छोटी छोटी बातों से हम खुश हो जाते थे। अब हमारा खुशियों का दायरा बदल गया है क्योंकि हम मैच्योर हो गए हैं। सज्जन व्यक्ति किसी मोह माया में फंस जाने के बाद उसका जीवन जो है वो किस ढंग से राख हो जाता है, इसका सुंदर वर्णन मराठी की फिल्म है पिंजरा नाम की, श्रीराम लागू ने किरदार निभाया था, मास्टर जी की भूमिका उन्होंने की थी। बहुत ही सुंदर ऐसी फिल्म है। इस फिल्म में यही संदेश दे दिया है, जब सज्जन व्यक्ति भी अपनी मोह माया में, किसी भी मोह माया में जब फंस जाता है तो उसकी जो सज्जनता है, उसके जो सद्गुण है, वह त्याग देता है। उसके जीवन में बहुत ही गलत ढंग से परिवर्तन हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं, समिति समिति जल भर ही तलावा, समिति समिति जल भर ही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। समिति यानी थोड़ा थोड़ा, जल यानी पानी, थोड़े थोड़े जल से पानी का तालाब भर जाता है। आपको पता है बूंद बूंद से घट भरता है, उसी प्रकार कितना सुंदर वर्णन किया है, देखो कितनी सुंदर तुलना की है। सज्जन व्यक्ति एक दिन में सज्जन नहीं बनता है, सदाचारी व्यक्ति एक दिन में सदाचारी नहीं बनता है। अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए एक-एक सद्गुण उसे अपनाना पड़ता है, तब वह सदाचारी बन जाता है। अपने व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू है, इन सब पहलुओं को हम जब इकट्ठा करते हैं तब हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो जिस प्रकार वर्षा हो रही है, वर्षा की एक-एक बूंद इस तालाब में गिर रही है, पड़ रही है, और वह तालाब पानी से भर रहा है, जैसे सद्गुण व्यक्ति के पास एक एक अच्छा गुण वह इकट्ठा करता है, एक एक अच्छा गुण उस व्यक्ति के पास आता है और वह सद्गुणी बन जाता है, सज्जन बन जाता है। उसी प्रकार एक एक बूंद इस तालाब में पानी
रही है और वह तालाब पानी से भर रहा है। कितनी सुंदर रचना है ये, कितना सुंदर वर्णन किया है। सरिता जल जल निधि महु जाई, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और स्थिर हो जाती है। होई अचल जीमी जीव हरि पाई। हरि यानी ईश्वर, महाराष्ट्रियन जो होते हैं हमेशा कहते हैं पांडुरंग हरि राम कृष्ण हरि। हरि ईश्वर का नाम है। तो बरसात के दिनों में धरती पर गिरा हुआ वर्षा का पानी तालाबों में इस तरह भर रहा है जैसे सज्जन व्यक्ति के पास एक-एक कर सद्गुण चले आते हैं, वह सद्गुणों का पुतला बन जाता है। एक दिन कोई सद्गुणी नहीं बनता है, और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नदी का मूल और साधु का कुल कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नदी बहते बहते विशाल हो जाती है और साधु एक-एक सद्गुण अपनाते हुए साधु बन जाता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने यह जो वास्तविकता है वह हमारे सामने रखी है। वे बता देते हैं कि बरसात के दिनों में धरती पर गिरा हुआ वर्षा का पानी तालाब में इस प्रकार से भर रहा है जैसे सज्जन व्यक्ति के पास एक-एक करके सद्गुण आ चले आते हैं और वह सद्गुणों का पुतला बन जाता है। नदियों का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर कृपा कर स्थिर हो जाता है, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान मिलने पर जीवन स्थिर हो जाता है। आपको पता है हमारा मन जो है वह बहुत चंचल होता है, मन को बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो बहिना भाई कहती है, आपने सुना हुआ होगा उनका उनकी रचना, मन वढ़ाय वढ़ाय जस उभ्या टिका तल ढोर। तो हमारा जो मन है उसको बांध कर रखना, स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। यह मुश्किल हम कैसे हल कर सकते हैं, हम कैसे अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए। और ईश्वर के नाम स्मरण से हमें एक अलग ढंग की ताकत आ जाती है। संत नामदेव जी का उदाहरण आपको पता हुआ होगा कि संत नामदेव जी विठ्ठल के परम भक्त थे। उन दिनों में मुगलों का राज्य चल रहा था और एक ब्राह्मण जो था उसने मन्नत मांगी थी, और मन्नत पूरी करने के लिए वह नामदेव जी को लेने के लिए आते हैं अपने गांव ले जाने के लिए। संत नामदेव जब उस ब्राह्मण के साथ जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे भक्त भी आए हुए थे, और रास्ते से चलते चलते ये जो मुगल था उसको ये बात पता चलती है और वह सबको गिरफ्तार कर देता है और संत नामदेव जी को बता देता है कि मैंने आप सबको बंदी बना दिया है। तू बहुत उस विट्ठल की आराधना करता है ना, यदि तेरा विट्ठल है तो मैं अभी तेरे सामने इस गाय का शिरच्छेद करता हूं, यदि तेरा विट्ठल है तो यह मृत गाय तू जीवित करके दिखा दे। अब यह प्रसंग जो था बहुत ही कठिन था। भक्त रोने बिलखने लगते हैं, सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि यदि गाय का सिर तूने नहीं वापस लगा दिया तो मैं सब, आप जो जितने भी भक्त तेरे साथ है सबको मैं मार कर मुसलमान बना दूंगा। तो यह बात सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन नामदेव जी स्थिर थे, नामदेव जी स्थिर थे, वे बिल्कुल डरे नहीं थे। आंख बंद करके वे हरि नाम का जाप करते हैं, विट्ठल की प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आश्चर्य हो जाता है, काट कर गिरा हुआ वह जो गाय का सिर था वह वापिस जाता है गाय के धड़ के पास और गाय उठ उठकर खड़ी हो जाती है।
यह नामस्मरण का महिमा होता है। तो यही बात तुलसीदास जी यहाँ पर बता देते हैं कि मन जो चंचल है, इस चंचल मन को स्थिरता दिलाने का काम नामस्मरण करता है। जो व्यक्ति हरि चरण में लीन हो जाता है, वह हमेशा स्थिर रह जाता है। तो यहाँ इस पंक्ति में हमने देखा है कि बरसात के दिनों में जब वर्षा के पानी से तालाब भरता है, तो उसकी तुलना उन्होंने सज्जन व्यक्ति के सद्गुणों से की है। जिस प्रकार एक बूंद बूंद से तालाब भर रहा है, किस प्रकार वह तालाब भर रहा है, जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास एक-एक सद्गुण आ जाते हैं। दूसरी कड़ी में वह बता देते हैं कि यह उछलती कूदती हुई नदी बहती 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 और कहाँ पर जाकर मिलती है, समुन्दर से जाकर मिलती है, सागर से जाकर मिलती है, और अथांग ऐसे सागर में जाकर वह स्थिर हो जाती है। तो नदियों का पानी समुद्र में जाकर जिस प्रकार से स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जब हरि भजन में लग जाता है, लीन हो जाता है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, महिमा बता दी है हरि नाम की। आगे हम यह जो रचना थी वह चौपाही की रचना थी, उन्होंने दोहा भी यहाँ पर दिया हुआ है। दोहा जो दो पंक्तियों का होता है, यह उसकी विशेषता है। दोहा इस प्रकार है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पथ। जैसे ही बारिश होती है तो सब जगह पे हरियाली छा जाती है, तृण यानी हरियाली। ओके जी, समुझी परही नहीं पथ। उस वजह से जब सब जगह पर हरियाली छा जाती है, आपने देखा हुआ होगा कि जब बरसात होती है तो सब जगह पर हरियाली छा जाती है, और इस हरियाली के कारण छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं खेत में मैदान में, वे ढक जाते हैं। वे हमें हरियाली के कारण दिखाई नहीं देते। जीवी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। आज इसी प्रकार से अनेक सदग्रंथ यानी अच्छे अच्छे ग्रंथ काल के बहाव में लुप्त होते जा रहे हैं। तो बरसात के दिनों में धरती घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी बन जाती है, जिसके कारण रास्ते का पता नहीं चलता। छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं वह दिखाई नहीं देते, और यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे कि, तुलना कैसे देखी है देखो, जैसे कि पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। अब क्या हो गया है, अब बुराइयां अच्छाइयों पर भारी पड़ रही है। अच्छे अच्छे ग्रंथ जो है वह लुप्त होने जा रहे हैं। वाचन संस्कृति यह हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण देन है, लेकिन अब जमाना कैसे आ गया है, डिजिटल का जमाना आ गया है। आधुनिक तंत्र ज्ञान में हम कई अच्छी बातें अब खोने लगे हैं। देखो, पहले हमें जब समय मिलता था तब हम कोई भी किताब हाथ में लेते थे और पढ़ना शुरू कर देते थे। अब हम किताबों से दूर होकर मोबाइल में खोने लगे हैं। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि ऑनलाइन क्लासेस, यह जो शिक्षा का यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में अध्यापक अत्यंत प्रामाणिकता से अपने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सब नहीं, कई ऐसे छात्र हैं जो मम्मी डैडी से, अपने पेरेंट्स से मोबाइल लेते हैं, एक रूम में अपने आप को बंद करके बैठते हैं, बाहर किचन में काम कर रही मम्मी को लगता है मेरा बेटा पढ़ रहा है, डैडी को लगता है अरे हाँ उसकी शिक्षा चल रही है, मैं बिना मोबाइल का चला जाता हूँ। और बच्चा क्या करता है, बच्चा वीडियो बंद करता है और खेल शुरू कर देता है। ग्रुप बनाए हुए हैं जो रेगुलर पीरियड में
बच्चे कोई कोई बच्चे खेल खेलते हैं, अध्यापन अध्ययन की प्रक्रिया से दूर रहते हैं। तो यह तकनीकी शास्त्र को हमने अपनाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह काल के बहाव में कोई कोई जन भूल रहे हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर हमें बता देते हैं कि कई पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सद ग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ अब लुप्त होते जा रहे हैं, अब बुराइयां अच्छाइयों पर भारी हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन पाखंडी और झूठे लोगों पर विश्वास रखकर, जो हम हमारे प्यारे रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ है इनसे जो हम दूर जा रहे हैं, वह हमें बंद करना चाहिए। वापिस इन ग्रंथों को, अच्छे अच्छे किताबों को हमने अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने प्रस्तुत महाकाव्य अंश में वर्षा ऋतु में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को, समाज में पाए जाने वाले अच्छे बुरे लोगों के व्यवहारों बर्तावों तथा नीतियों से जोड़कर ज्ञानप्रद बातों से हमें परिचित किया है। उन्होंने इस काव्य में ना तो सिर्फ वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, ना तो सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी की मनोदशा का वर्णन किया है। हमने देखा है प्रत्येक पंक्ति में उन्होंने तुलना की है, उदाहरण दे दिया है, और उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया है कि हर एक व्यक्ति को अच्छा और बुरा क्या है, यह सोच समझकर अच्छे ग्रंथों को अपनाना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए और वर्णन करना उसका जो उस ढंग का वर्तन में बदलाव करना चाहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों दोस्तों, आशा है यह कविता के तो जरूर फोन कर दीजिए। मेरा नाम है आकांक्षा बोंगाले, फोन नंबर है 9096505026, 9096505026। धन्यवाद। हेलो। हाँ, बहुत बढ़िया मैडम जी। आज का आपका परिचय ही जलद, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी का पाठ था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने शुरुआत ही इतनी अच्छी की गायन करके, और एक 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 पंक्ति, उसके शब्द, उसके अर्थ बिल्कुल आसान बनाकर आपने, इतनी कठिन पद्य यह पर आपने बिल्कुल आसान करके बता दी है। आपकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। इसी प्रकार का ही सहयोग आपका इसके पहले ही मिला था, आगे भी मिलेगा इस अपेक्षा आशा के साथ। मैडम जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का कालांश यहाँ समाप्त हुआ, और आज के सुबह के समय का ये कार्यक्रम समापन समारोह यहाँ समाप्त हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। थैंक यू। धन्यवाद सर।